चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां चिटफंड निवेशकों के लिए ये बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल निवेशकों को राशि वापस करेंगे। निवेशकों को 2,46,00,000 रुपए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस करेंगे। राजनांदगांव जिले के निवेशकों को ये राशि दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश। चिट फंड निवेशकों के लिए ये खबर, जहां मुख्यमंत्री निवेशकों को राशि वापस करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से संवाददाता भोजेंद्र जुड़ चुके हैं। भोजेंद्र, चिटफंड निवेशकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि वापस करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी ऋतु, बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो चिटफंड निवेशक थे, लगभग 600 करोड़ के ऊपर का निवेश, उससे ज्यादा निवेश हर जिले में लोगों ने किया है और कई तरह की चिटफंड कंपनियां हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में ही लिखा गया था कि जो जिनका जिनका चिटफंड में पैसा डूबा है उसको चुनाव जीतने के बाद वापस कराऊंगा। तो चुनाव जीतने के बाद उनकी जो घोषणा पत्र में था, चिटफंड में जितने निवेशक थे उनके आवेदन लिए गए कुछ महीने पहले और सारे जिला कलेक्टर के समक्ष उनके आवेदन लिए गए। अब जिन जिन चिटफंड कंपनियों से रिकवरी की जा चुकी है, जिनका जमीन या छत्तीसगढ़ में निवेश करके रखे थे, जिनका जो भी जैसे तो उनसे रिकवरी की जा रही, उनका पैसा निवेशकों को वापस किया जाए। इसी कड़ी में आज प्रथम बार चिट फंड का पैसा राजनांदगांव जिले के लोगों को मिलेगा जो इस कंपनी में निवेश किए थे। लगभग 2,40,00,000 रुपए के आसपास की जो राशि है वो वापस की जाएगी। 11 बजे सीएम हाउस से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। जी बिल्कुल भोजेंद्र, आप बने रहिए, आपके पास वे लौटेंगे। तो चिटफंड निवेशकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि वापस करने जा रहे हैं। 2,40,00,000 की ये राशि है जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे वापस करेंगे।